आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। स्टेट द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग सोनोमीटर। तो हमें बताना है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के क्या क्या लॉज होते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, आपको बस पता होना चाहिए कि जब एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है तो उसमें वेव की जो स्पीड होती है, उसकी जो सॉरी जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट टी बाय न्यू। अगर आपको इतना याद है तो आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो एफ जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, टी जो है वो है टेंशन, न्यू जो है ये है आपका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। न्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ टोटल मास पर यूनिट लेंथ ऐसा, ठीक है। और एल तो आप लेंथ समझ गए होंगे। तो इसके कितने लॉज होते हैं, इसके तीन लॉज होते हैं। एक लॉ बताता है कि लेंथ का और इस फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, एक लॉ टेंशन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताएगा और एक मास और फ्रीक्वेंसी का बताएगा। तो मैं तीनों लॉज लिख के दिखा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ मेरे पास क्या होगा, लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मेरे लेंथ का, ठीक है। तो ये पहले वाले लॉ ने मुझे बता दिया। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग string will be inversely proportional to the length of string, right? जो बात मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखी वही बात मैंने स्टेटमेंट में लिख दी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो भी होगी वो लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होगी, ठीक है। अच्छा सेकेंड में क्या लिख सकता हूँ, लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है। तो अभी लॉ ऑफ टेंशन क्या बोलता है, बिल्कुल वैसे ही एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेंशन। तो अब बस इसी को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग will be directly proportional to the square root of tension in the string, कि string के अंदर जितना tension है उसके directly proportional होगा, ठीक है, उसके under root का directly proportional होगा। अच्छा last वाली क्या हो सकती है हमारे पास, law ऑफ लीनियर डेंसिटी, ठीक है। लीनियर डेंसिटी इज नथिंग बट वही जो आपने अभी ऊपर देखा था न्यू वाला पार्ट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ न्यू के। तो ये बात हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी थर्ड पार्ट जो कि लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है। अगेन क्या बोल सकते हैं कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating string will be inversely proportional to the square root of mass per unit length, ठीक है, जिसको ही आप हम लोग यहाँ लीनियर डेंसिटी से भी जानते हैं, न्यू ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गए तीनों के तीनों लॉस। तो आई होप सबको उसकी स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई होगी, उसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।